वोल्ट डीसी से लगाऊं तो ये बिल्कुल नहीं जल रही है, मतलब कि ये ख़राब हो रही है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, ये कभी भी ख़राब नहीं होती है, तो इसको आप घर पे बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने। तो दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये चल नहीं रही थी, मतलब जल नहीं रही है, तो अब इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए ये जॉइंट बनाए हुए हैं इन्होंने, हर थोड़ी 3 LEDs के बाद यहाँ पर देखिए आपको इनपुट के लिए 2 पैनल दिए, हर हर जगह देखिए इनपुट दे रखे हैं 3 3 LEDs के बाद। मतलब अगर आप कहीं पे भी इस पे इनपुट देंगे तो ये पूरी की पूरी झालर जो है वो जलने लग जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ से इनपुट देने पे आपकी जो LEDs है जल नहीं रही हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर वायर के कनेक्शन टूट चुके हैं, जो इंटरनल वायर है, जो इंटरनल कनेक्शन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियो में। देखिए जो इसके इंटरनल कनेक्शन है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं, ये अगर मैं मोड़ के दिखाऊं तो देखिए ये बिल्कुल ब्रेक हो चुके हैं, जिसकी वजह से ही इसमें जो है करंट फ्लो नहीं हो पा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इन वायर्स को निकाल देंगे और इतना टुकड़ा यहाँ से इसको अलग कर देंगे, जो ये ब्रेक हो चुका है इसको अलग कर देते हैं, और इन वायर्स को अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ, ये जो हर जगह इनपुट्स दिए हैं, 2 इनपुट्स, एक प्लस का दिया है और एक माइनस का, यहाँ पर अगर मैं जोड़ दूँ और इसको चलाऊँ तो आराम से ये Thank you.